हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियरंजन मिश्रा आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रियो नॉलेज शेयरिंग में स्वागत करता हूँ। आज देखेंगे ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज बढ़ता है तब करंट घटता है और जब वोल्टेज घटता है तो करंट बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, मतलब व्हाई वोल्टेज इंक्रीजेस ड्यूरिंग करंट डिक्रीजेस इन ट्रांसफार्मर और वाइस वर्सा। एक्चुअली फॉर्मूला के हिसाब से जो पावर का फॉर्मूला है वो P इक्वल टू वी आई, अगर कॉस फाई को पावर फैक्टर को अगर नेगलेक्ट करते हैं तो वो P इक्वल टू वी आई। यहाँ पे P इक्वल टू पावर है, V इक्वल टू वोल्टेज है, I इक्वल टू करंट है। तो इस फॉर्मूला से हमको क्या मिलता है, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा, इसका मतलब यही है। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जब वोल्टेज बढ़ता है तब करंट घट जाता है। यहां पे क्या होता है, ये क्यों होता है ना, बोथ साइड जो पावर है वो सेम है, इनपुट में आप जितना कैलकुलेशन करेंगे जितना पावर आएगा उसका आउटपुट में उतना ही पावर आएगा। देखिए ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें इनपुट में देखिए 120 वोल्ट 20 एम्पियर, 120 वोल्ट और 20 एम्पियर है, वोल्टेज 120 है और करंट 20 एम्पियर है। तो यहाँ पे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ये क्या करता है ना, वोल्टेज को बढ़ाता है। तो आउटपुट में देखिए 120 वोल्टेज से बढ़ के हो गया है 1000 वोल्ट और यहाँ पे जो करंट था इनपुट में 20 एम्पियर वो हो गया घट के हो गया है 2.4 एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए अगर इनपुट में हम पावर कैलकुलेशन करेंगे तो P इक्वल वी आई फॉर्मूला में डालेंगे तब आता है 2400 वाट और 2.4 किलो वाट। अगर सेकेंड साइड देखेंगे आउटपुट में देखेंगे तो वो भी पावर कितना आ रहा है, P इक्वल वी आई फॉर्मूला में कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी सेम आता है 2400 वाट और 2.4 किलो वाट, मतलब बोथ साइड सेम पावर है। तो अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है ना, वोल्टेज जो होता है घटता है, इनपुट से जितना वोल्टेज रहता है हाई वोल्टेज रहता है तो आउटपुट में वोल्टेज घट जाता है और करंट इनपुट में कम रहता है आउटपुट में करंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट में 2000 वोल्ट और 4.8 एम्पीयर करंट है, आउटपुट में 240 वोल्टेज है और 40 एम्पीयर करंट है। तो यहाँ पे अगर इनपुट में हम कैलकुलेशन करेंगे तो पावर आ रहा है 9600 वाट और 9.6 किलो वाट, पी कोल्ड वी आई फॉर्मूला में डालने के बाद। आउटपुट में क्या आता है, सेम पी कोल्ड वी आई फॉर्मूला में डालेंगे तो वहीं पे भी 9600 वाट और 9.6 किलो वाट पावर आ रहा है, मतलब इनपुट में जितना पावर है आउटपुट में उतना पावर है, बोथ साइड सेम पावर है। और एक है हमारा जो ओम्स लॉ के हिसाब से जो देखेंगे V इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू V बाई आर, इसका मतलब क्या है ना, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा और वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा, इसका मीनिंग वही है। तो क्या एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 1.5 वोल्ट का एक बैटरी लेते हैं उसमें 10 ओम का रजिस्टर लगाते हैं तो ओम्स लॉ के फॉर्मूला में V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला में डालेंगे, V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला में डाल देते हैं तो फिर उसका करंट आता है 0.15 एम्पियर और जो पावर अगर कैलकुलेशन करेंगे P इक्वल टू वी आई फॉर्मूला में डाल के तो आता है पावर 0.225 वाट। अगर जो 1.5 वोल्ट बैटरी हम लिए हैं उसको हम रिप्लेस करके एक बड़ा वाला बैटरी ले लेते हैं 9 वोल्ट का, तब क्या होता है ना, अगर उस टाइम में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तब आता है पावर 8.1 वाट और जो करंट आता है 0.9 एम्पियर, सेम 10 ओम का रजिस्टर है। इसमें से क्या पता चलता है, देखिए इधर वोल्टेज बढ़ा दिए 1.5 वोल्ट से 9 वोल्ट कर दिए तो क्या हो गया, करंट भी इंक्रीज हो गया, करंट भी बढ़ गया 0.15 एम्पियर से 0.9 एम्पियर हो गया। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पावर। अब देखिए पावर 0.225 वाट था 1.5 वोल्ट बैटरी में, जब बैटरी हम चेंज कर दिए
बड़ा वाला बैटरी ले लिए 9 वोल्ट का, तब पावर बढ़ गया 8.1 वाट हो गया। आज का वीडियो में हमको क्या सीख मिला? इफ द पावर ऑफ द सोर्स इज कांस्टेंट, देन द करंट वुड डिक्रीज व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इफ द पावर ऑफ द सोर्स इज वेरिंग, देन करंट वुड इंक्रीज व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इसमें सारा का खेल है पावर सोर्स का। अगर पावर सोर्स दोनों साइड कांस्टेंट है, इनपुट में जितना आउटपुट में उतना है, तब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट बढ़ेगा। अगर पावर सोर्स दोनों साइड वेरी करता है, मतलब इनपुट में अलग पावर है आउटपुट में अलग पावर है, तब क्या होता है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें से पावर सोर्स ही इम्पोर्टेंट है। तो ओम्स लॉ और जो पावर इक्वेशन दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, आपको वही ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। दोनों में, दोनों का जो इक्वेशन है, दोनों में एक ही एक जो फैक्टर है वो है पावर सोर्स। अगर पावर सोर्स कांस्टेंट है, आपका जो ट्रांसफार्मर में दोनों का साइड, दोनों साइड मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी साइड मतलब इनपुट और आउटपुट में पावर सेम है, इसीलिए वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घट जाता है, अगर वोल्टेज घट जाता है तो करंट बढ़ जाता है, ये होता है क्योंकि दोनों साइड पावर सेम है। अगर दूसरे केस में देखेंगे, ओम्स लॉ के हिसाब से देखेंगे, तो अगर पावर सोर्स अलग हो जाता है इनपुट में और आउटपुट में, तो फिर वोल्टेज अगर बढ़ जाता है तो करंट भी बढ़ जाता है, अगर वोल्टेज घट जाता है तो करंट भी घट जाता है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों सही है, दोनों में पावर सोर्स का ही खेल है। आज का वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ नया टॉपिक लेके। धन्यवाद।